So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel, History With Me. In today's lecture, we are going to talk about assessment year and previous year. But before moving in the lecture and start studying about it, I hope you have subscribed the channel and hit the bell icon to get the daily updates and notification. Without any delay, let's start. मेरे पीछे है व्हाइट बोर्ड और एक तरफ लिखा हुआ है असेसमेंट ईयर एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 और इस तरफ लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर एज पर सेक्शन 3। सेक्शन याद करना जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि आप सब्जेक्ट ही पढ़ रहे हो, आप प्लेलिस्ट ही पढ़ रहे हो, इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। शुरू करते हैं आज का लेक्चर, बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा दें ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन या कोई भी पोस्ट आपसे मिस ना हो। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लें, 1000 बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं जुड़ने वाले हैं उस ग्रुप में। इंस्टाग्राम पे अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ये छोटा सा लेक्चर आपको क्लैरिटी देगा कि भाई असेसमेंट ईयर क्या होता है और प्रीवियस ईयर क्या होता है। ज्यादा टाइम नहीं लेता हूं, शुरू करता हूं। अब देखो यहां पर मैंने कुछ डेट्स लिखी हैं, लेट मी पुट इट हियर, कुछ डेट्स लिखी हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, अब ये कौन सा साल चल रहा है, आपको पता है कि 2023 चल रहा है, 2024 नहीं है भाई, 2023 है। सो 2023 चल रहा है। सो 2023 और 2024 मैंने ब्रैकेट में लिखा है असेसमेंट के बाद। इसका क्या मतलब है, अभी थोड़ी देर में आपको क्लैरिटी के साथ ही समझ में आ जाएगा जब हम ये दो पॉइंट्स पढ़ेंगे। ठीक उसी तरीके से यहां पर आप देखो प्रीवियस ईयर सेक्शन 3 है और यहां पर ब्रैकेट में मैंने लिखा है 2022 और 2023। अब आप कुछ कुछ सोच रहे होगे क्योंकि प्रीवियस ईयर है इसलिए 2022 से लिया है हमने, ठीक बात है वो। खैर जब ये दो पॉइंट्स पढ़ेंगे और एक एग्जांपल समझेंगे तो इससे आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि प्रीवियस ईयर क्या होता है। सो सर आपने पूरा रिकैप तो दे दिया कि भाई ऐसे ऐसे आपको ये समझ में आ जाएगा, प्री कैप दे दिया, अब भाई बताओ तो क्या है। सो असेसमेंट ईयर कुछ भी नहीं होता, इट मीन्स द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। जितने आपके जनवरी टू दिसंबर आपके मंथ्स होते हैं उतने का ही ये पीरियड होता है, यानी कि इट इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, 12 महीनों, एक 12 महीने का ये पीरियड होता है, कॉमेंसिंग ऑन 1st of April एवरी ईयर। व्हाट डू यू मीन बाय कॉमेंसिंग? कॉमेंसिंग का मतलब होता है, यहां पर अगर मैं, अगर किसी को इसकी इसका मतलब नहीं पता सो डिक्शनरी में देख भी सकता है, और देखने की जरूरत नहीं, मैं बता रहा हूं, टू बिगिन और टू स्टार्ट मतलब शुरू करना, कोई चीज स्टार्ट करना। तो ये जो पीरियड है 12 महीने का असेसमेंट ईयर, 12 महीने का पीरियड होता है जो कि शुरू होता है, कमेंस करता है, कमेंसिंग ऑन 1st of April एवरी ईयर, हर साल के 1 अप्रैल से, 1st of April से ये पीरियड जो है वो कहीं ना कहीं शुरू होता है। और कब तक चलता है, कब खत्म होता है, थोड़ी देर में हम इसकी बात करते हैं। तो पहली जो चीज़ आपको याद रखनी है अबाउट असेसमेंट ईयर कि इट इज़ अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कमेंसिंग ऑन 1st of April एवरी ईयर। आई होप यू गॉट एन आइडिया जस्ट नाउ। मैंने आपको बताया कि 12 महीने का ये पीरियड है, स्टार्ट होता है हर साल 1 अप्रैल से, 1st of April से, खत्म कब होता है, बेसिकली इट इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स जो कि स्टार्ट होता है 1st of April को और खत्म होता है 31st March को। सर 1st of April को स्टार्ट होता है, 31st March को खत्म हो जाता है, उल्टा चलता है क्या ये, एक दिन में खत्म? नहीं नहीं नहीं, माइनस वन में नहीं चलता। फर्स्ट, बहुत ही गंदा जोक मारा मैंने, 1 अप्रैल को ये शुरू होता है और अगले साल की, जैसे 2023 की 1 अप्रैल से इसने शुरुआत की और अगले साल की 31 मार्च तक ये चलता है। दैट्स व्हाट योर असेसमेंट ईयर इज, इट स्टार्ट्स 1 अप्रैल एवरी ईयर एंड इट एंड्स ऑन 31 मार्च। अरे ये तो सुना सुना लग रहा है, जो 1 अप्रैल को शुरू हो और 31 मार्च को खत्म हो उसी को तो हम बोलते हैं आपका फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर या असेसमेंट ईयर ये क्या है, 12 महीनों का ये एक टाइम पीरियड है, एक जिसमें बेसिकली शुरू जो होता है ये 1 अप्रैल से होता है और खत्म जो होता है ये अगले साल 31 मार्च को खत्म हो जाता है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि असेसमेंट ईयर
12 महीनों का होता है, 10 बार मैंने रिपीट कर दिया, 12 महीनों का होता है, 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च को खत्म होता है, फाइनेंशियल ईयर हम इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, बात करते हैं प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर क्या होता है? सबसे पहले तो एज पर सेक्शन 3 आपको याद रखना है। अच्छा, यहां पर डेट्स की बात तो की नहीं, तो असेसमेंट ईयर हमने समझा कि भाई 1st of April एवरी ईयर ये शुरू होता है और अगले साल फिर 31 मार्च को ये एंड हो जाता है, फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट। तो असेसमेंट ईयर 2023 में कब शुरू हुआ होगा? 1st of April 2023 को एंड कब किया गया होगा? एंड हुआ होगा 31 मार्च 2024 को। तो ये जो 2023 और 2024 का हुआ, ये क्या हुआ? आपका असेसमेंट ईयर हुआ या फाइनेंशियल ईयर हुआ 2023-2024। आई होप यू गॉट एन आइडिया अबाउट दिस डेट नाउ। तो ये डेट से अब आपको आइडिया लग जाएगा। अगर मैंने लिखा है यहां पर 2021-2022, आपको बताना है असेसमेंट ईयर क्या है। तो असेसमेंट ईयर क्या होगा? इट विल स्टार्ट ऑन 1st of April 2021 एंड एंड ऑन 31st मार्च 2022। वेरी नाइस। एग्जाम्पल के लिए आपको बताया, लेट्स टॉक अबाउट प्रीवियस ईयर नाउ। डेट आप देख सकते होंगे 2022-2023। इट इज द इनकम अर्न्ड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में जो भी आपने कमाया, प्रीवियस ईयर में जो भी आपने अर्न किया, जो भी आपकी इनकम हुई प्रीवियस ईयर में, दैट इज टू बी एक्सेस्ड इन द असेसमेंट ईयर। उसकी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन असेसमेंट ईयर में होगी। फिर से पढ़ रहा हूं, इट इज द इनकम अर्न्ड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। जो भी आपने इनकम अर्न की प्रीवियस ईयर में, विच इज टू बी एक्सेस्ड टू टैक्स, जिसकी कैलकुलेशन की जा रही है टैक्स के लिए, कहां पर? असेसमेंट ईयर में। सर अभी थोड़ा सा ना क्लैरिटी हमें आई नहीं, लेट्स टॉक अ लिटिल मोर अबाउट इट। सो प्रीवियस ईयर मींस द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर के ठीक पहले जो फाइनेंशियल ईयर है, वही प्रीवियस ईयर है। प्रीवियस ईयर मींस द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। एग्जांपल से समझते हैं। लेट सपोज असेसमेंट ईयर आपका 2023-2024 है। असेसमेंट ईयर क्या है? 2023-2024। दैट मींस इट विल स्टार्ट ऑन 1st of April 2023 एंड विल एंड ऑन 31st मार्च 2024। तो ये जो असेसमेंट ईयर है आपका, इसमें जो टैक्स कैलकुलेशन होगी वो प्रीवियस ईयर की होगी। फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-2024 प्रीवियस ईयर विल कमेंस ऑन 1st अप्रैल। तो इसमें प्रीवियस ईयर कब शुरू होगा? तो अगर असेसमेंट ईयर 2023 और 2024 का है, तो प्रीवियस ईयर कब शुरू होगा? 2022 की 1st अप्रैल को। तो प्रीवियस ईयर क्या होगा? 2022 की 1st अप्रैल, और वो खत्म हो जाएगा 31st मार्च 2023 को। यानी कि असेसमेंट ईयर में जो एक्सेस किया जा रहा है, जो टैक्स कैलकुलेशन हो रहा है, वो प्रीवियस ईयर का हो रहा है। सो फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-2024 प्रीवियस ईयर विल कॉमेंस। तो अगर असेसमेंट ईयर 2023 और 2024 का है, तो प्रीवियस ईयर कब से शुरू हुआ होगा? प्रीवियस ईयर शुरू हुआ होगा 1 अप्रैल 2022 से, और खत्म कब होगा? 31st मार्च 2023 से। एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो 2024-2025 है, ये असेसमेंट ईयर है आपका। सो 2024 से 2025 ये आपका असेसमेंट ईयर है। तो इसमें प्रीवियस ईयर कब कॉमेंस होगा? प्रीवियस ईयर कब स्टार्ट होगा? प्रीवियस ईयर स्टार्ट होगा 1st of April 2023 को। प्रीवियस ईयर कब स्टार्ट होगा? प्रीवियस ईयर स्टार्ट होगा 1st of April 2023 को, और एंड कब होगा? 31st मार्च 2024 को। तो असेसमेंट ईयर 2024 और 2025 में जो टैक्स एक्सेस किया जा रहा है, प्रीवियस ईयर का किया जा रहा है, जो कि स्टार्ट होगा 1st of April 2023 को और एंड होगा 31st मार्च 2024 को। एंड सिमिलरली हियर इज द केस, अगर असेसमेंट ईयर 2023 और 2024 है, तो प्रीवियस ईयर जो है वो कॉमेंस होगा 2022 की 1st अप्रैल को और खत्म होगा 31st मार्च 2023
23 को. सो ये है असेसमेंट ईयर, ये है प्रीवियस ईयर. असेसमेंट ईयर का जल्दी से क्विक रिकैप कर लेते हैं. असेसमेंट ईयर का जो सेक्शन है वो है सेक्शन 2 सब सेक्शन 9. प्रीवियस ईयर का जो सेक्शन है वो है सेक्शन 3. असेसमेंट ईयर की अगर हम बात करें तो ये 12 महीनों का पीरियड होता है जो कि शुरू होता है हर साल की पहली अप्रैल को और खत्म होता है 31 मार्च को. सो इसको हम फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं. अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर की तो एज पर सेक्शन 3 हम इसको पढ़ते हैं. और ये बेसिकली इट इज द इनकम अर्न्ड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर विच इज टू बी एक्सेस टू टैक्स इन द असेसमेंट ईयर. तो प्रीवियस ईयर का मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर. सो आई होप आपको क्लैरिटी है अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज दिस असेसमेंट ईयर, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस प्रीवियस ईयर. अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप स्टडिंग, टेक केयर.